से, वहां से लेकर वहां तक पूरा ही बस अड्डा है दोस्तों। कितना बड़ा बस स्टैंड है, लाइट वगैरह भी लगाई हुई है दोस्तों। देखो वो मुंड का नांगलोई पिरागढ़ी वजीराबाद बाईपास ISBT दिल्ली देख सकते हो आप, यहाँ दिल्ली की बस लग जाएगी 2 नंबर। उस पे नजर रखना मेरी जान, माँ कसम नजारा बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल राज सारवान पर। तो दोस्तों आज हम आए हैं बहादुरगढ़ के नए बस स्टैंड पर। तो दोस्तों ये बस स्टैंड ये रोहतक हाईवे पे बनाया गया है। तो दोस्तों ये यहाँ पे कहाँ कहाँ के लिए बस मिल जाएगी और नया बस स्टैंड बनाए कैसे कैसे क्या क्या है यहाँ पर, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ अगर नए जुड़े हों आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, वहीं पे कुछ अपडेट मैं करता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और गर्मी देख सकते हो यार दोस्तों, तो लाइक तो बनता है यार, गर्मी मेरे मुंह पे ही पसीने बहुत सारे आ रहे हैं, तो लाइक जरूर करके जाना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं नया बस अड्डा। तो ये कुछ इस प्रकार बनाया गया है, देखो ये एंट्री गेट है, ये गेट लगाया गया है यहाँ पर। तो हम अब एंट्री करते हैं। तो दोस्तों अभी तो ये बिल्कुल शांत पड़ा है, कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पर, और ये पास में ही मंदिर है आप देख सकते हैं। और कितना बड़ा बस स्टैंड है आप देखो, वहां से लेकर वहां तक पूरा ये बस अड्डा है दोस्तों देख सकते हो। देखो जूम करके दिखाता हूँ, लिखा भी हुआ है सामान्य बस अड्डा बहादुरगढ़ हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर। तो झज्जर में आता है, तो झज्जर के उसमें आता है जिला शायद। तो देख सकते हो पूरा बस स्टैंड है। तो यहाँ से स्टार्ट करते, देखो अभी तो मशीन भी खड़ी हुई है, काम ही चल रहा है अभी यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यार बहुत गर्मी है, यार वीडियो को लाइक वगैरह कर दे करो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहां पर भी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मैं। तो चलिए अभी तो आगे हैं, बस अड्डा दिखाते हैं आपको, नया बस अड्डा बहादुरगढ़ का। उधर साइड देख सकते हैं कुछ कार्यालय बनाए गए हैं, अभी भी मशीन चल रही है यहाँ पर काम, और पंखे वगैरह लगाए गए हैं देख सकते हो। ये टिकट काउंटर है शायद यही, और कुर्सियाँ वगैरह, तो कुर्सियाँ वगैरह देख सकते हो आप बनाई गई है, वहां से यहाँ तक ये परमानेंट कुर्सी बनाई गई है आप देख सकते हो। पंखे भी लगाए गए हैं, हर कदम पर पंखे यहाँ पर देख सकते हो। और ये टिकट काउंटर बनेंगे, और अभी तो काम चल ही रहा है दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे। और देखो अलाउंसमेंट भी होंगे यहाँ पर, तो दोस्तों देख सकते हो। और यहाँ पे 2 मंजिला बनाया गया है दोस्तों, और अंदर यहाँ पर देखो दुकानें भी बनाई गई है, ताकि यहाँ पर देख सकते हो दुकानें बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए, यहाँ पर खान पान के लिए भी है, जगह जगह काउंटर बनाए गए हैं टिकटों के देख सकते हैं पूरा, और पंखे वगैरह की बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अभी तो देखो ये अंधों के लिए बनाई गई है, ये आपको पीली लाइन दिख रही है ना, ये अंधों के लिए है। तो देखो दुकानें इधर भी बनाई गई है भाई, पूरा यहाँ पर वहां से लेकर वहां तक देखो पूरा बस स्टैंड ये है, वहां से टिकट काउंटर तक। तो ये ऑफिस कार्यालय वगैरह बने हुए हैं देख सकते हो, यहाँ पर भी सीटिंग बैठने के लिए व्यवस्था भी है। बाहर की तरफ आ गया हूँ मैं, इधर भी कार्यालय बनाए गए हैं, शायद कुछ ऑफिस वगैरह बनेंगे, अभी तो कंफर्म मुझे भी नहीं पता क्योंकि बन ही रहा है दोस्तों अभी ये। और देख सकते हो पूरा कितना काफी मतलब बड़ा बस स्टैंड है आप देख सकते हैं, कितना बड़ा बस स्टैंड है, लाइट वगैरह भी लगाई हुई है दोस्तों। देखो वहां पर वो लाइट है, देखो रोड लाइट, काफी सारी लाइटें लगाई गई है यहाँ पर, ये पूरा बस स्टैंड। तो चलिए यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए बस जाएगी ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो खाली जगह दिख रही है दोस्तों आपको, यहाँ ही बस लगेगी, ये खाली जगह दिख रही है सारी, यहाँ पर ही बस लगेगी देख सकते हो। कितना बड़ा बस स्टैंड है यार, बहुत ज्यादा बड़ा। तो देख सकते हो सबसे पहले 1 नंबर की हम बात कर लेते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ बैजनाथ धर्मशाला लुधियाना जालंधर, तो आप देख सकते हो। और नंबर 2 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मुंड का नांगलोई पिरागढ़ी वजीराबाद बाईपास ISBT दिल्ली देख सकते हो आप, यहाँ दिल्ली की बस लग जाएगी 2 नंबर पर। दुलेड़ा झज्जर छुचकबास भोजोलरी दादरी पिलानी 3 नंबर पर देख सकते हो। और रोहतक हिसार सिरसा 4 नंबर वाली बिठिंडा फाजिल का देख सकते हो आप। और रोहतक कलनौर भिवानी जिंद केथल पटियाला 5 नंबर पर ये बस मिलेगी आपको। और 6 नंबर पर आप देख सकते हो सांपला इस्माइला खरवड़ा अस्थल बोहर रोहतक के लिए 6 नंबर पर देख सकते हो आप। और 7 नंबर पर हम बात कर लेते हैं, जाड़ोदा नजफगढ़ गुरुग्रामा फरीदाबाद बल्लमगढ़ पलवल 7 नंबर पर आपको ये बस मिल जाएगी। और औसादा
आठ नंबर की बात कर लेते हम। औसदा, जसोर, जसोर खेड़ी, बरौना, खरखौदा, सोनीपत, चंडीगढ़ आठ नंबर पर ब्रश मिलेगी आपको। और ये देख सकते हो आप, कानोदा, कुलासी, पाई, खरखौदा, सोनीपत, चंडीगढ़ के लिए नौ नंबर पर ब्रश मिल जाएगी आपको दोस्तों, देख सकते हो। और दस नंबर पर हम बात कर लेते हैं, बामडोली, लड़रावण, सैदपुर, कुंडल, पीपल, खरखौदा, सोनीपत, दस नंबर पर ब्रश मिलेगी दोस्तों ये। और 11 नंबर की हम बात कर लेते हैं तो सापला, कुलताना, बहराना, दिग्गल, गोच्छी, बेरी के लिए ब्रश मिलेगी दोस्तों 11 नंबर पर। और 12 नंबर पर हम बात कर लेते हैं, मांडोठी, मातण, छारा, महाराणा, महराना, दुजाना, बेरी। तो दोस्तों नाम गलत ले रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो 13 नंबर पर हम अभी आ गए हैं तो सोलधा, गुबाना, बादली, मुंडा खेड़ा, बाणसप, एम्स। और 14 नंबर पर देख सकते हैं, बादली, पेलपा, निमाना, याकूबपुर, फरुखनगर 14 नंबर पर बस मिल जाएगी आपको। और 15 नंबर पर हम बात कर लेते हैं, मांजरा, देसलपुर, साहेपुर, भूपनिया, कुखाई, खेड़ी, आसर, देख सकते हो 15 नंबर पर। और 16 नंबर पर आप देख सकते हो, टेकरी बॉर्डर, ग्राव मोड़, कंजावला, बवाना, नरेला के लिए 16 नंबर पर आप बस मिल जाएगी आपको दोस्तों। तो 17 नंबर की हम बात कर लेते हैं अभी, नांगलोई, पीरागढ़ी, पंजाब बाग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो दिल्ली के लिए यहाँ 17 नंबर से बस मिलेगी। और सिटी जो भी हम बहादुरगढ़ में जाना हो आपको तो सिटी बस 18 नंबर। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 18 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और ये पूरा बस स्टैंड देख रहे हो आप। जो ये बस स्टैंड है ये देखते हो रोहतक झज्जर हाईवे पे बनाया गया है और इधर ये जा रहा है दिल्ली पीरागढ़ी और ये पुराने बस स्टैंड पर भी जाएगा इधर से और ये इधर जा रहा है झज्जर और रोहतक के लिए। और ये बस स्टैंड है इसी हाईवे पर आप देख सकते हैं पूरा। तो आइए इनसे पूछते हैं कैसा लगा आपको बस अड्डा, कैसा लगा आपको भाई? बहुत अच्छा लगा बस स्टैंड मेरे को। अच्छा, अंदर से भी बाहर से भी देखा है आपने? हाँ, अंदर जाके बिल्कुल देखा भाई। और कहाँ कहाँ के लिए बस जाएगी यहाँ से? यहाँ से लगभग हर जगह के लिए जाएगी, हर जगह के लिए। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। हाँ, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, थोड़ी सी अच्छी जानकारी लगी हो तो। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यार गर्मी में आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, बिना खाए पिए सुबह से आपकी सेवा में लगा हुआ हूं मैं। तो दोस्तों ये था बहादुरगढ़ का नया बस स्टैंड, तो जल्द में ही चालू हो जाएगा ये दोस्तों। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करें और फॉलो जरूर कर ले, पहले मैसेज करने से पहले जवाब तुरंत मिलेगा आपको। तो चलिए इस साथ वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। भूल भी नहीं रहा क्योंकि यार पसीने बहुत ज्यादा आ रहे हैं।